दोस्तों गर्मियां आने वाली है और पानी की डिमांड बढ़ने वाली है, वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों 100 से 150 फुट की गहराई से यदि आपके पास बोरवेल है तो महंगा तरीका पानी ऊपर लाने का सब कोई बता सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम खर्चे में 200-400 रुपए लगाइए और 100 से 150 फुट की गहराई से पानी मैं गारंटी लेता हूँ ऊपर लाइए, बस पूरा प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। यदि आपने एक काम किया, वीडियो बहुत बड़ी हो सकती थी, हमने छोटी ही बनाई है और आपको वीडियो को पूरी पूरी देखना है क्योंकि मोटर में क्या बदलाव करने हैं, पाइप कैसे डालना है। तो दोस्तों वीडियो को बिना इंट्रो बिना ट्रेलर के आइए सीधी शुरू कर रहे हैं। दोस्तों हमारे पास में यह वाला बोरवेल है, इस बोरवेल पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाई है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ पर वाटर लेवल 100 फीट से ज्यादा ही है। मेरे कई व्यूवर्स कह रहे थे सर हमें 150 फीट की गहराई से पानी को ऊपर लाने का कोई तरीका बताएं, तो दोस्तों मैं 101% गारंटी लेता हूं, आप आराम से पानी को 150 फीट के आसपास से ऊपर ला सकते हैं, वह भी बहुत कम खर्च में। इस बोरवेल में यदि पानी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंकर डालकर हम आपको पानी की आवाज सुनाते हैं। यहाँ पर मैं आपको वाटर लेवल को माप कर भी दिखा देता, लेकिन वीडियो काफी बड़ी हो जाती, हमने इस छोटी वीडियो में आपको पूरी जानकारी और इस उपयोग को करके दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों आपको बता दे पाइप का साइज हमारे पास यह पहले से उपलब्ध था, लेकिन आपको पाइप का साइज वही लेना है जो कि पंप पर सही से आ सके, क्योंकि पाइप का साइज हमेशा ही पानी के प्रेशर पर प्रभाव डालता है। दोस्तों आगे की तकनीक को आपको ध्यानपूर्वक देखना और ध्यानपूर्वक समझना है। यह जाना माना एग्रीकल्चर स्प्रे पंप है जो कई अलग अलग कैपेसिटी में आता है, हमारे पास यह पहले से मौजूद था। यहाँ पर ऊपर की ओर एक तीर का निशान होगा, यहाँ पर हमें बड़ा पाइप लगाना है और नीचे की ओर यहाँ पर हमें दोस्तों छोटा पाइप लगाना है। यह पंप हमेशा ही पानी में डुबाने के लिए नहीं बना है, हमने इसमें कुछ बदलाव किए आप देख सकते हैं। जब आप मार्केट से पंप लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपको दो वायर मिलेंगे, दोनों को आपको कट कर देना है, हमने पहले से ही कट किया है, या दोनों को आपस में मिला करके टेप लगा देनी है। दोस्तों इसका दूसरा एक और तरीका है, यदि आप यह नहीं करना चाहते तो आपको इसको खोल करके यहाँ पर मोटर से सीधे ही वायर को बाहर निकालना है, और यह बिल्कुल आसान तरीका है, आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हैं और सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से मोटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। यदि हम पाइप की बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के हमारे पास तीन पाइप है, लेकिन जो बीच वाला ब्लैक पाइप है यह इस पर बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमारे पास ये उपलब्ध नहीं है, आपको नया पाइप कुछ इसी साइज में लेना है। यह डायग्राम समझना दोस्तों बहुत ही आवश्यक है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वाटर लेवल कितनी गहराई में है। नीचे की ओर हमने यहाँ पर 5 फीट लंबा पाइप लगाना है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं, और ऊपर हमने यहाँ पर 110 फीट लंबा पाइप लगाया है। यह पंप पानी में नहीं डूबना चाहिए और यह नीचे से लगभग 150 से 200 फीट तक ऊपर पानी को आराम से भेज सकता है। यह पंप आराम से 12 वोल्ट डीसी पर चला जा सकता है और यह 1 मिनट में 6 से 9 लीटर पानी आउटपुट करता है। दोस्तों यह अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। नीचे की ओर पंप पर हम 5 फीट का यह पाइप का टुकड़ा लगाने वाले हैं, ऊपर की ओर हम लंबे वाला पाइप लगाएंगे, यह वाटर लेवल तक जाएगा। दोस्तों आपको बता दें जब भी आप इस तकनीक का इस्तेमाल करें, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी दिक्कत आएगी आप तुरंत पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज की तकनीक का इस्तेमाल आप 150 से 200 फीट की गहराई तक आसानी से पानी को ऊपर लाने का कर सकते हैं। यदि हम पाइप की बात करें तो यह वाले साइज का पाइप इस पंप पर बहुत अच्छे से आ जाता है, क्योंकि आपको नया खरीदना होगा तो आपको अच्छे साइज का ही पाइप खरीदना है और उसको ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों यदि आपके पास ऐसा पाइप नहीं है तो आप दूसरे पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पानी के प्रेशर पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। आज की वीडियो केवल इसीलिए बनाई ताकि 150 से 200 फीट की गहराई से आप पानी को ऊपर ला सकें, लेकिन 150 फीट तक तो आराम से आप ला सकते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। दोस्तों पंप के ऊपर की ओर जो पाइप लगाना है जो कि लंबे वाला होता है, उस पर बहुत दबाव होता है, इसको बहुत ही मजबूती से यहाँ पर लगाना चाहिए। हो सके तो एक प्लास्टिक की टाई का इस्तेमाल करें या किसी वायर को अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देना चाहिए ताकि यह पाइप बिल्कुल भी न निकल पाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम पंप और 12 वोल्ट की डीसी बैटरी को बोरवेल के अंदर सावधानी पूर्वक उतार देंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, ना ही ऐसा करने का प्रयास करना है। हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते हैं तो हमारे लिए ऐसा करना थोड़ा संभव है। दोस्तों हम आपको बता दें आपको 1 mm की कॉपर की वायर का इस्तेमाल करना है और पाइप और वायर को दोनों को साथ के साथ नीचे ले जाना है। आपको बता दें हमने ऐसी कई वीडियो बनाई है
उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहां पर देख करके सहायता ले सकते हैं, या कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे तुरंत पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, पंप के पास जब भी आप पाइप को लगाएंगे या सेट करेंगे, उस समय आपको यह ध्यान रखना है कि पाइप एक तो दबे नहीं, दूसरा यह मुड़े नहीं, ताकि पानी को आने में कोई पाइप में दिक्कत हो और पंप पर लोड पड़े और पानी की मात्रा घट जाए। इसलिए पाइप को बहुत ही सावधानी पूर्वक इस तरीके से सेट करना है ताकि वह सीधा का सीधा ही रहे। दोस्तों, हम पंप को ज़्यादा देर के लिए नहीं चलाने वाले हैं, आपको यह लंबे समय के लिए चलाना है, इसलिए हम फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ इस प्रकार का फिल्टर बना सकते हैं। यहाँ पर हम पंप के साइज और बोरवेल के साइज के हिसाब से कुछ लंबी बोतल लेनी है और उसमें बहुत सारे छेद करने हैं। हमने यहाँ पर कम किए हैं लेकिन आपको ज़्यादा करने हैं। ऊपर की ओर आपको जालीदार इस प्रकार का एक कपड़ा लेकर, जहाँ से मैंने हाथ से पकड़ा है, यहाँ से अच्छे से बांध देना है और यह एक बहुत ही बेहतरीन फिल्टर बन जाएगा। यहाँ पर हम यह 12 वोल्ट की डीसी बैटरी बोरवेल के अंदर डालेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मोटर से पाइप के साथ साथ 1 mm की वायर ही बाहर निकालनी है और उस पर 100 वाट की सोलर पैनल या फिर बड़ा बैटरा, इसके साथ ही ट्रांसफार्मर जो कि 12 से 18 वोल्ट आउटपुट करता है, इस्तेमाल करना है। हमने आपको बताया है कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दी है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, हमने पंप के साथ बहुत मजबूती से इस बैटरी को बांध दिया है और यह देखिए अभी कनेक्शन नहीं करने, हमें इसको पहले ही चालू करके एकदम छोड़ देना है और तेज़ी के साथ नीचे ले जाना है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी के साथ यह पंप ऊपर की ओर भेज देगा और कभी भी पानी ऊपर आ सकता है। आप बेहिचक होकर वायर लगाएं और वायर को नीचे ले जाएं। यदि आप कहेंगे तो हम आपको एक ऐसी वीडियो बनाकर दिखाएंगे जिसमें ऊपर की ओर इस मोटर पर वायर लगाकर चला जा सके। यहाँ पर दोस्तों आपको फिल्टर का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम यहाँ पर एक पत्थर बांध रहे हैं। इसका फायदा यह होगा कि जब हम बोरवेल के अंदर पाइप को डालेंगे तो हमें आवाज़ से पता चल जाएगा कि वाटर तक यह पहुँच गया है और पाइप को वहीं पर रोक देंगे। इसके अलावा पाइप सीधा ही बोरवेल में चला जाएगा नीचे वजन होने के कारण, और बीच में कहीं पर भी नहीं रुकेगा। बाहर ही हमें कनेक्शन कर देने हैं और बोरवेल में तेज़ी के साथ इसको डालना है। दोस्तों आपको बता दें, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास तो इतनी चौड़ाई का बोरवेल था, इसलिए हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लिया है। दोस्तों, ऐसी उपयोगी वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए बिल्कुल फ्री ही उपलब्ध होती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, और आगे की प्रक्रिया को देखते रहें। यहाँ पर दोस्तों किसी भी वक्त पानी ऊपर आ सकता है, और दोस्तों आप देख सकते हैं पंप के हिसाब से पानी बहुत अच्छे से आ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आराम से आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।